हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग ले से शुरू कर रहा हूँ। इस वक्त लगभग बज चुके हैं 2:30 के लगभग। आज एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुई हमारे यहाँ पे, मतलब कि इतनी दुर्लभ घटना है जिससे कि पूरे क्षेत्र में जो है वो हाहाकार मच गई है। तो ये घटना क्या है कि जहाँ पर मैं आया करता था, हम आया करते थे नहाने, हमारी एक बोर्ड है, मैंने आपको बताया था कि वो जो है इतनी पुरानी बोर्ड थी कि पूर्वज भी उस बोर्ड के बारे में हमें काफ़ी सुनाते थे और हम भी नहाने आते थे। 12 महीने का पानी था, लेकिन अचानक जो है ये बोर्ड सूख गई, मतलब पानी लगभग जो सूख गया है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे बोर्ड है, और ये काफ़ी बड़ी घटना है पूरे क्षेत्र के लिए। पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी एक्चुअली सूखा क्यों, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा वहाँ का दृश्य। अंकु भाई नहाने नहीं आ रहे 2 दिन छुट्टियां पर। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये बोर्ड जो थी ये सूख चुकी है, देखिए। तो यहाँ पे पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे कि ये बोर्ड जो है सूख गई। तो हम बोल सकते हैं ये नेचर कॉल है, हमें प्रकृति जो है कुछ बताना चाहती है, कुछ इशारा देना चाहती है कि अगर आप नेचर से, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी जो है आपके साथ खिलवाड़ करेगी। तो ये देखिए फाइनली जो है वो पानी मिल चुका है, नहर मिल चुकी है। ये देखिए यहाँ से पहले ये पानी यहाँ से आता था सीधा बाहर, ये देखिए यहाँ से होता हुआ यहाँ जाता था, लेकिन अब जो है ये पानी यहाँ से नीचे, ये जो है यहाँ पे टूट चुकी जगह, तो यहाँ पे सारा नीचे पानी जा रहा है, अब यहाँ पे नहीं आ रहा है ये। तो इसकी मेंटेनेंस का काम जो है अभी लगा हुआ है। लाल जो है अच्छा हुआ कि ये नज़दीक मिल गया, प्रॉब्लम नज़दीक मिल गई, तो लोगों के बीच काफ़ी खुशी है बात को लेकर कि नज़दीक मिल गया और पानी। फिर तो मेंटेनेंस भी लखर भी लगी जाना, अगर मेंटेनेंस करानी होगी पता नहीं लगना पहले ना। हाँ पता नहीं लगना पे नहीं कुत्ते कुत्ते ये पानी। हाँ हूं तो ठीक है, हूं तो बस इतू पुजने ही देर है। क्या दिखना तू नौंदा हाँ तुझे सह पाप लगा तुझे और क्या डेली बिच नुंदा तू छुट्टी वाले दिन। पानी आई गया, मिली गया पानी, फाक मिली गया पानी का। तो कितना टाइम लग गया? 10 मिनट नहीं लगने फिर। कोई बात नहीं, आइए दिखे आपका अंकल जी। उन्होंने कितना टाइम लग गया वापस इतने लेने? उन अंकल ने क्या करना, समान होगा दा 1910 होना जी। 10 ही सर, 9 ही 8 ही होगा। लाला चौधरी मल सूद बड़ करिया ए देरे दे हे मेरा निवासी। हां सूद तो लाला शिव मल ने। हां जी मैं मेरा नहाने का नहीं, तेरे नहाने का पाप लगा। 1910 बने था लाइला साहब साहब। तो गाइस हम वापस जा रहे हैं अब घर, और ये तो है हम थोड़ा लेट हो गए आने में। ये तो सुबह का जो है जल्द वही 7-8 बजे का पानी जो है बिल्कुल डाइवर्ट हो गया था, सूखा नहीं था डाइवर्ट हो गया था। तो हम जो जब पहुंचे तो पानी लगभग जो है उनको मिल चुका था जो डाइवर्ट हुआ था। छैनी थोड़े से थोड़ा काम करवाया, तो फिर बाकी इनकी मेंटेनेंस करेंगे कल, क्योंकि कल जो है सभी लोग यहाँ पे होंगे तो हम भी कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं इस वक्त आप देख रहे हैं मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे जहाँ पे काम लगा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा काम चला हुआ है प्रोसेस का, ताकि पानी को दोबारा जो है वो सही जगह लाया जा सके। तो चलिए देखते हैं। पानी दो ही साइड ज़्यादा ना पानी, उस साइड भी ज़्यादा, इस साइड बड़े बुके भी हो। ਇਹ ਕੁਲ ਬਣਾਣਾ ਪੋਣੀ ਨਾ ਸਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੋਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲ ਬਣਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਕੁੱਲਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਧੀ ਦੇ ਗਈ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਨਾ ਝਾੜੇ ਆਈਏ ਕੱਟ ਪਾ ਅਨੀਸ਼ ਇੱਟਾ ਚੁੱਕੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਾ ਤਰਾ ਰੱਖ ਦੇ ਇਥੋਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਸਲੇ ਜੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੱਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਸਲਾ ਦੇ ਤਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹ ਬੋਰ ਕੀ ਤਸਲਾ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੜਕੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ये सभी के लिए सस्पेंस बना हुआ है कि ये पानी कैसे आएगा और कब आएगा। दूर दूर से लोग यहाँ पे जो है इसे देखने आ रहे हैं। ये जो पानी है इसकी वजह से जो चार आसपास के जो 8 गांव हैं इनकी पानी की समस्या दूर होती है, लेकिन इसकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सभी को ही। देख बेचारे ये लड़के जो है ऐश करते थे, इनको भी जो है पानी लाना पड़ रहा है, डेली पानी ढोना पड़ रहा है घर के लिए। ये देखिए ये तो कब देख रहे हैं कब पानी आया और मैं नहाऊँ पानी के इंतजार में खड़े हैं यहाँ पे। ये देखिए इसकी वजह से यहाँ पे देखो ये गाँव की सारी औरतें जो हैं कपड़े धोने के लिए आई हुई हैं। देखिए कितने सारे कपड़े हैं, ये देखिए आधे कपड़े ये डाले हुए हैं। देखिए बच्चे भी आए हुए हैं साथ में, और ये देखिए वो भी नहाने आया हुआ था लेकिन इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे नहाया नहीं जा सकता। ये देखिए कपड़े धोने के लिए भी होड़ मची हुई है, इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते। ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए, और वहाँ पे लड़के जो हैं इंतजार में है, लड़के इंतजार में है कि कब जो है इनकी बारी आएगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा रिशु एक घंटे से यहाँ वहाँ घूम रहा है। ये देखिए प्रदर्शनी लगाई हुई है यहाँ पे देखिए, और आखिरकार अनीश जो बेशर्मों की तरह घुस ही गया बीच में। और तेरी पेंट उतर गई, हुए पेंट ऊपर कर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये देखिए इन्होंने आविष्कार कर लिया है, पानी भले ही गंदा होगा लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो आज फाइनली जो मैं घर आ चुका हूँ वापस, मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे थोड़ा काम था नैन बुखर में, थोड़ा बाइक का प्रॉब्लम है, थोड़ा शोकर प्रॉब्लम है तो वो ठीक कराना है। तो वहाँ पे जो हमारी बोर्ड है उसका भी जो है सॉल्व नहीं हुआ है, वहाँ पे काम लगा हुआ है। तो वो हम शाम को जब यहाँ से फ्री होंगे बाइक ठीक करवा के, तब हम अगर टाइम लगा तो वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितना सॉल्व हुआ कितना काम हुआ। एक्चुअली पानी जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो जब वो कंट्रोल होगा उसके बाद ही जो है सॉल्यूशन होगा उसका, उसके बाद ही मेंटेनेंस हो पाएगी, तो वो बाद की बात है। चलिए फिलहाल चलते हैं हम बाइक का शोकर को ठीक करवाने। लेने अंदर चली जाता एक भाई गप्पा गप्पा मत मत कट दिंदे और है नहीं तेल ही नहीं है भाई, मिस्त्री हथे होंगे ही मसाला घटाना बताना ये भी दिखने चेक करने हुई क्या है लोकरे लोके हुई है। अच्छा ये असील अच्छा ये निकली हो भाई, ये है भाई है ये जड़ सारी। हाँ जी तो ये देखिए इसमें तेल डाल दिया फाइनली, अब जो है ये शोकर बिल्कुल तैयार है, अब हमारे भैया करेंगे इसको फिट। भाई ये भी ना देखो चिक चू कर दी है, देखो गाइस टाइम हो चुका है शाम के 6, मैं फ्री हो चुका हूँ बाइक का काम करवा के। अभी जो है आपको मैं थोड़ा कुछ क्या हुआ सोल्यूशन वो दिखाने लेके जा रहा हूँ मैं आपको अपनी बोर्ड पे। देखिए मैंने ड्रेस भी नहीं चेंज की है, तो मैंने कहा पहले अपने सब्सक्राइबर्स को जो है पहले दिखाऊँ, आपको बताया बोला था मैंने, प्रॉमिस किया था कि मैं जब फ्री जाऊँगा तो आपको लेके जाऊँगा शाम को। ये देखते हैं सोल्यूशन निकला कोई कि नहीं निकला, कैसे मैं इस टाइम में आपको जो है अपने सब्सक्राइबर का कितना ध्यान रखता हूँ मैं। प्लीज़ आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप जो न्यू व्यूअर हैं, और बाकी जो है लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। कुछ था यहाँ पे पता नहीं क्या था, डर गया मैं तो। शाम का टाइम है ना,
तो शाम के टाइम में जो यहाँ पे अपने अपने घोंसलों में या घरों में यहाँ पे रहते हैं रात को ये, तो वैसे तो खतरे से खाली नहीं जगह ये इस टाइम, बट फिर भी देख लो कितना खतरा मोल लेके जो मैं आपको जो है दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज जगह भाई और ठीक ठाक बढ़िया, नहीं मैं तो उइए वीडियो बना रहा ना बनी उइए सॉल्यूशन प्रसाद तो चढ़ाइए ना हो जाता है कुछ ना कुछ ना पानी पराए कटता ना पानी कने कुल बनाई दी ना ये होने ना फिर इस तो बजरी भर देने कने पानी हाँ हाँ नहीं बढ़िया हुई इं था काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन निकला। और साइड में जो पानी यहाँ पे है उसको भी कल ये भर देंगे और पानी को डाइवर्ट कर देंगे फिर से अपनी पुरानी जगह पे। तो ये दो तीन दिन लगेंगे अभी प्रॉपर ढंग से फिर से रेगुलर जो है सप्लाई चलने में। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। और एक बात और जो मैं वहाँ पे सील की बात कर रहा था, एक्चुअली सील जो है सबसे जब आप शोकर भरवाते हो तो सील एक प्रोडक्ट होता है तो सबसे महंगा प्रोडक्ट वही होता है जब आप शोकर भरवाने जाते हो। तो मैं इसलिए उसको पूछ रहा था कि मुझे बता दो सी ये सील होता क्या, ये कौन सा प्रोडक्ट होता है। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा तो लगा होगा। अगर आपको ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें, बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।